गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग अब फ्लो डिस्कस करेंगे कि हम लोग को कैसे कैसे करके सिलेबस में आगे बढ़ना है। तो अभी जैसे सबसे पहले हम लोग पेपर बी करेंगे 21, 22, 23 का। उसके बाद हम लोग Y1, Y2 करेंगे जो मैट में है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा टारगेट है। इस वीक में लगातार क्लासेस होंगे आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सो मंडे टू सैटरडे लगातार क्लासेस है, टाइमिंग एकदम सेम है। तो अभी पहले हम लोग पेपर बी पूरा कैप्चर कर रहे हैं, एंड इफ टाइम परमिट्स इन दिस वीक पेपर ए में जो मैम ने नहीं कराया है, मास्टर क्लासेस आज मैक्सिमम डल जाएगा। तो उसमें जैसे 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो जो 5 पार्ट में डिवाइड किया था उसमें 3 या फिर 3.5 मैम ने कराया है, 2 या फिर 3 मैम ने कराया। तो जो मैम ने नहीं कराया वो आपके बार हम लोग लाइव करा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो वाला आपका हो गया 2023 का एक पेपर, उसमें नहीं था। सेप्टेम्बर 23 का पेपर शायद उसमें नहीं होगा, तो वो सेप्टेम्बर 23 का पेपर करेंगे हम लोग ए का, क्योंकि बी का भी हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। इसके बाद एक बार ऑफिशियली हम लोग का पूरा सिलेबस खत्म है। आई में आपके डाउट्स हो रहे हैं, वो आप लोग सबको प्लीज अटेंड करना है। अब से पेन और पेपर तो एकदम भूल ही जाना, पूरा लैपटॉप पे ही हम लोग को करना, हम लोग को उस पैटर्न में पूरा ढलना पड़ेगा। एंड 10 तारीख तक जितना भी हो रहा है, जो भी डाउट्स आपका बुकलेट, कितना 12 बुकलेट है कि 13 है, कितना है, 12-13 जो भी है, 12-13-14 जो भी है, वो पूरा आप लोग को करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 11th से 28th तो छुट्टी है ही है, 11th फरवरी से 20th फरवरी कोई क्लास नहीं है। 10 दिन का तुम लोग को पूरा टाइम दिया जा रहा है, तुम लोग आराम से एकदम पूरा करो। पेपर ए में जो डाउट्स है, पेपर बी में जो डाउट्स है, सारा चीज को तुम लोग एकदम पूरा प्रॉपरली देख लो कि उसमें कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर उसको हम लोग को मैम से पूछना है, कहाँ हेल्प की दरकार है। इंस्टीट्यूट का मैट पूरा रीड कर लो। उसके बाद हम लोग 3 से 4 मास्टर क्लास लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd ऑफ फरवरी, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd और 21st ऑफ फरवरी, ठीक है। तो बेसिकली वी आर क्लोजिंग दिस बैच ऑन फरवरी 25th, ठीक है। सो फरवरी 25th को हमारा लास्ट क्लास होगा, दैट इज अ संडे। एंड उसके बाद तुम लोग को सेंटर आने का दरकार नहीं है। इफ यू वॉन्ट यू कैन कम एंड स्टडी टू द सेंटर, बट हमारी क्लासेस स्टॉप हो जाएंगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के जो क्लासेस है वो वैसे ही चलेंगे, एंड दैट विल बी जस्ट डाउट्स। मैंने तुमको एक क्वेरी है कि इस चैप्टर में यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, वो एक्जैक्टली उसी का आंसर करेगा। ही इज नॉट देयर टू एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। तुमको जिस समय जिस पॉइंट पर डाउट है वो उस समय वहीं पर क्लियर करेगा। एंड 25th के बाद एक मॉक हम लोग लेंगे, जैसे अभी एक आर्या पार हम लोग लिया, आई होप सो तुम लोग सब दिया होगा, बिकॉज अब उसमें एंट्रीज बंद हो चुकी है, जो दे दिया दे दिया। तो बेसिकली जो डर गया वो घर गया, ये एक प्रोफेशनल गेम है। जो डर गया वो घर गया कि मेरा अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ एक्सेट्रा, ऐसे बकवास मेरे को बिल्कुल नहीं सुनना है। आज एग्जाम का टाइम चेंज नहीं हो सकता, एग्जाम का डे चेंज नहीं हो सकता, जो है वो है। एक मॉक हम लोग लेंगे March 1st week में, दैट इज ओनली ऑन पेपर बी, ओके। उसको हमने नाम दिया क्या आप है पेपर बी के लिए तैयार, तो वो होगा, उसका एवेल्युएशन हो जाएगा विद इन 5 to 6 days, एंड देन वी विल टेक ओनली 1 proper mock, ठीक है, 1 proper detailed mock, जिसमें आप लोग सबको एक 1-to-1 फीडबैक मिलेगा। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च मिड, ठीक है, और वो मार्च बेसिकली 3rd week में ही चलेगा। 3rd week का डेट्स मैं देख लूंगा। बेसिकली 15th से 21st तक का एक ब्रैकेट रहेगा, एंड 22nd से विल स्टार्ट द इवैल्यूएशन, तो वो आपका 30th तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड इन बिटवीन फरवरी 25th 26th से लेके आपका अप्रैल में कितना तारीख को एग्जाम है, उसमें आपको प्रॉपर पूरा 2 महीने का टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो अगर उसमें आपको कोई भी डाउट्स होगा तो वीकली 1-2 जितना भी टाइम लगेगा, ऐसा 1 घंटा 2 घंटा का, आप लोग आके भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। वो 2 महीना एकदम पूरा प्रॉपर पढ़ाई करना है, ठीक है। एंड वी विल ट्राई कि एक और मॉक अगर हो पाएगा तो डेफिनेटली हम लोग एक और मॉक इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करेंगे इन April 1st week। तो April 1st week में 3 दिन का विंडो आई विल गिव, एंड देन April 4th से वी कैन स्टार्ट द इवैल्यूएशन, तो April 10th तक वी कैन एंड दैट मॉक, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, एंड वो जो 6 mocks है वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसका कोई भी मॉक सबमिशन वो नहीं लेंगे, वो चेक नहीं करेंगे, ठीक है। चेक यही होगा जो हम लोग अभी ये जो बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। CS2 इज वेरी डिफिकल्ट, एंड उसमें तुम लोग को मेरे को नहीं लगता अभी एकदम टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। यूटिलाइज योर वीकेंड्स प्रॉपरली, एंड मतलब एक बार में पढ़ के इसको निकालो, दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज इसके बाद तुमको और आर टॉपिक वाइज और नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब कभी काम हुआ तो पढ़ा तो अलग चीज है, पाइथन पढ़ा, बट आर खत्म हो जाएगा, स्टैट्स का उतना फिर आगे एप्लीकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए सोच सोच के इसको एक बार अच्छे से, टाइम जितना है उसमें काफी टाइम है, ठीक है। एंड मेनली तुम लोग रिविजन और ज्यादा करके सॉल्व करो। उसके बाद
हम लोग जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है वो लोग को ये भी बोलेंगे कि इंस्टीट्यूट का मैट जो है, इंस्टीट्यूट का मैट का दिस टाइम वी आर प्लानिंग टू कवर ऑल दी एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, सो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोग कराएंगे। तो बेसिकली वो जो है वो वाला क्लासेस तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? वो वाला क्लासेस तुम लोग अटेंड कर सकते हो, जो लोग नहीं अटेंड करेगा वो लोग रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट का मैट चैप्टर वाइज हम वो लोग को बोल देगा, वो लोग सारा एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस करा देगा, तो एक हम लोग का अच्छा कवरेज रहेगा। ठीक है, थैंक यू। बिकॉज तुम लोग को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग अभी फेब 11 से 20 पढ़ना, बिकॉज फेब 25 के बाद मैम विल नॉट बी अवेलेबल। बिकॉज इसका रीजन है, एक तो CM1 का मैम को पेपर बी का क्लास लेना है, तो वो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 16th, ठीक है? उसके बाद में CS1 का हम लोग को 1 वीक 10 डेज कराना पड़ेगा, एंड CM2 का हम लोग को कराना पड़ेगा। तो वो क्या, थोड़ा प्रॉपर एलोकेशन करके तुम लोग को सबसे पहले प्रेफरेंस देके कि 22 23 24 25 4 डेज आर देयर फेब में, टू आस्क एनी डाउट दैट यू वॉन्ट, ठीक है ना? कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई सब नहीं समझ में आ रहा है, पेपर भी जो भी, ठीक है? तो इसलिए तुम लोग को 10 दिन का प्रेप टाइम भी दिया जा रहा है, ठीक है? चलो उस दिन हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे, थर्ड की फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन? ठीक है, ठीक डाउनलोड कर लो CS2 का अप्रैल 21 का पेपर। हाँ तो उस दिन हम लोग क्वेश्चन 3 किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। वी अंडरस्टूड कैसे लॉग लाइक्लीहुड रेशियो निकालते हैं, ठीक है, एंड उस बेसिस में कैसे हम लोग डिफरेंस करते हैं बिटवीन द टू मॉडल्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि यूजली आई हैव सीन दैट लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो ये अच्छे से एक बार समझ लेना, फॉर्मूलाज लिख लेना लास्ट क्लास से। चलो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। चलो रीड करना स्टार्ट करो क्वेश्चन। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द फंक्शन आर परेटो एंड आर यूजिंग, किसी को कोई डाउट आए तो प्लीज रेज योर हैंड और अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द फंक्शन आर परेटो यूजिंग द फॉलोइंग कोड। तो हम लोग ऑलरेडी आर परेटो सीख चुके हैं कैसे करते हैं क्लास में, बट वील जस्ट क्विकली कॉपी दिस। बेसिकली इसमें क्या होगा, रैंडमली नंबर्स जनरेट होंगे फ्रॉम परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने ये जो कंस्ट्रक्ट करा है, ये इन्होंने CDF यूज करके कंस्ट्रक्ट करा है, ठीक है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 2। ऑलराइट, इसको रन कर देते हैं।
Next, the R Pareto function generates a random sample of size n from two Pareto distribution. Generate using R Pareto a random sample of size 25,000 from the two Pareto parameter Pareto alpha de diya, lambda de diya, and n de diya, which is 25,000. Assigning the simulated values to AVEC, you should set a random number generator seed 1, 2, 3. Before AVEC and use the R function head to gen. So, बहुत simple है first part तो. So, let's run it. सबसे पहले we'll take a seed value of 1, 2, 3 बोला है. And AVEC में डाल देंगे R Pareto 25,000, 3, 1. ठीक है? इसका हेड चेक कर लो. क्वेश्चन में बोला है. अच्छा तुम लोग प्लीज जब पेस्ट करो आंसर्स, ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, पूरा पूरा 25,000 वैल्यूज मत पेस्ट कर देना, बहुत ही गंदा लगेगा. जस्ट टेक अ हेड, इवन इफ इट्स नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, यू कैन टेक द हेड एंड यू कैन पेस्ट द आंसर्स. ठीक है, डोंट पेस्ट द एंटायर 500, 1,000 वट एवर सिमुलेशन. हेड लेके पहला 6 वैल्यूज पेस्ट कर दो, तो उससे आंसर्स भी मैच हो जाते हैं एंड एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि आपको आता है हाउ टू शो द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से रीड करके ट्राई करो. बहुत सिंपल है बट इस पूरे क्वेश्चन में ना, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आर का फंक्शंस एंड लूप्स टेस्ट होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लूप कि आप लोगों को कितने अच्छे से आते हैं. अदरवाइज फंक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्वेश्चन पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ऑलरेडी, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आंसर्स मैच हो रहे हैं इसके, 4, 6 वैल्यूज आर मैचिंग. All right. एक चीज बोला था इन्होंने, फर्स्ट 8 वैल्यूज बोला था, तो ये गलत हो गया. इसमें कॉमा 8 देना होगा वरना 0.5 दे विल डिडक्ट. तो ये चेक कर लेना कि हम लोग क्वेश्चन ठीक से रीड कर रहे हैं या नहीं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट आर फंक्शन कॉल्ड ए एक्सीड यू विथ टू आर्ग्यूमेंट्स ए एंड यू that returns only the non-zero entries of a vector. Their vector e is of length 25,000 with entries defined as this. So basically क्या बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, एक function बनाने, अब नया function बनाने बोल रहा है, a exceed u, जहां एक vector e में डालेंगे उसको हम लोग. Where vector e is of length 25,000 का ही length है जितना AVEC का है. बस उसमें हम लोग को कितने values मिल, कौन से values मिल रहे हैं, a minus u के values मिल रहे हैं. Very simple, करो खुद से try. Not difficult at all. This entire question was very easy. इसमें खाली function construction है, इसमें कुछ आप लोगों को पूरा बता दिया, theory भी दे दिया. Use R function head to display your answer. First 8 values bola hai again. A is nothing but AVEC and U ko abhi inhone bola hai 1 leke answer dikhao. To sabse pehle to function construct karo A exceed U ka. Batao kaise karenge. Quickly write the function in the chat box jinhone kiya hai. Do inputs lene bole A and U. Bolo. e बनाने बोला ना, एक वेक्टर e बनाने बोला है और ये वाला फंक्शन दे दिया, देखो कितने अच्छे से. तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, p max यूज कर सकते हैं, है ना,
क्योंकि आपका ए में 25,000 वैल्यूज है, यहाँ खाली एक सिंगल यू है, तो आप लोग पी मैक्स कैसे यूज करोगे? पी मैक्स ऑफ ए माइनस यू कॉमा जीरो, है ना? बेसिकली अगर ए हमारे क्लेम्स हैं, तो ई में हम क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट पेड बाय द रीइंश्योरर इफ यू इज द रिटेंशन लिमिट, या फिर इन्होंने क्योंकि ऐसा बोला है सो मे बी दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग ईवीटी रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक कुछ आया नहीं वैसा, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि ईवीटी हो सकता है क्योंकि यू इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है ना? अब इसको बताओ कैसे. नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, रीड करो अच्छे से. टू आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न्स ओनली द, क्या लिखा है इधर, नॉन जीरो एलिमेंट्स. तो ई हमने बना दिया, ई इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 25,000, तो ई इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 25,000 अभी के लिए. अब इसमें से हम लोग को खाली नॉन जीरो एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हम लोग का जो आउटपुट होगा दैट शुड ओनली हैव नॉन जीरो एलिमेंट्स. तो ई जो वेक्टर है उसमें से हम लोग नॉन जीरो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? यूजिंग इंडेक्सेशन, ऑल द वैल्यूज ऑफ ई विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड व्हाट डू यू गेट? यू जस्ट रिटर्न द आउटपुट. यस और नो? वेरी बेसिक, इजी. कोई भी डाउट है तो पूछो. अब इन्होंने बोला कि आप हेड दिखाना, आप हेड दिखाना. हाँ बोलो. खुद से किया उस टाइम ग्रेटर देन जीरो लिख दिया तो दिक्कत नहीं है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि एनी विच वेज ऑल द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, है ना? क्योंकि तुम लोग यहाँ पे पी मैक्स कर रहे हो तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे ही नहीं, तो ग्रेटर देन जीरो भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू. अब हम लोग को किसका हेड चेक करना है? हम लोग को हेड चेक करना है विथ ऑल दीज, मतलब इनपुट्स डाल के, ठीक है ना? तो इनपुट्स डाल के रन करो. ए एक्सीड यू, इनपुट में ए के जगह ए वैक हो जाएगा, यू के जगह बोला इन्होंने वन लेने, एंड हेड में इन्होंने बोला पहला एट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने. तुम लोग इसको किसी और में डाल सकते थे एंड उसका भी हेड चेक कर सकते थे, मतलब ये पूरे को किसी एक वेक्टर में डाल के भी हम लोग कर सकते थे. आंसर्स मैच कर लो, और कोई डाउट है तो पूछो. खुद से ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट. अनलेस यू गेट इनटू द फ्लो ऑफ राइटिंग फंक्शंस ऑन योर ओन, CS2 विल नॉट बी इजी. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. ओके, खुद से करो. कंस्ट्रक्ट अनदर फंक्शन एफ अंडरस्कोर यू विच विथ वन आर्ग्यूमेंट ए ग्रेटर देन यू. तो ए ग्रेटर देन यू एक आर्ग्यूमेंट अब हम लोग को नया लेना है. That returns a vector of length 101 containing the probability that ai minus u is less than equal to x given a is greater than u. Now a is greater than u हम लोग already यहाँ निकाल चुके हैं a exceed u में, है ना? मतलब basically a exceed u में हमने a minus u निकाला है, a minus u निकाला है. And a greater than u is basically कितने आपके non zero elements थे, that is your. अगर check करना है तो इसका length check कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि कितने non zero elements हैं. So two out of 25,000 there are 2,980 values which are greater than one, है ना? All right. Use the function head to display the answer. First eight answers है. Fu एक नया function बनाना है जिसमें खाली एक ही argument जाएगा, and that argument is nothing but a exceed u. तो with arguments a vec को हमें one लेना है,
एंड सो बेसिकली ए एक्स ई डी यू एक फंक्शन है, उसमें हमारे दो आर्ग्यूमेंट जा रहे थे. अब हमें एक नया फंक्शन एफ यू बनाना है जिसमें खाली एक ही आर्ग्यूमेंट जाएगा, ए ग्रेटर देन यू. नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट. ये इजी क्वेश्चन है, इसको करो खुद से एक बार ट्राई करो. हम लोग को ये प्रोबेबिलिटी निकालना है बेसिकली. तो ए माइनस यू जो है वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ए एक्स ई डी यू में. उसका आप लेंथ निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा ए ग्रेटर देन यू आ जाएगा. करो आप खुद से सोच के ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट. इन्होंने लेंथ भी बोल दिया है. और एक चीज इन्होंने बोला है, क्योंकि x का वैल्यू देखो क्या लिया है, x का वैल्यू विल गो फ्रॉम 0 टू 10 एट द इंटरवल्स ऑफ 0.1. सो x, सो बेसिकली निकालना क्या है, फॉर एग्जांपल x के वैल्यूज हैं 0, 0.1, 0.2, 0.3, डॉट 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 10 तक. ये है, बगल में मेरे को प्रोबेबिलिटीज चाहिए. किसका प्रोबेबिलिटीज चाहिए? ए माइनस यू लेस देन इक्वल टू x गिवन a ग्रेटर देन u. तो ये अब फंक्शन में खाली एक ही आर्ग्यूमेंट लेना है, ए एक्स ई यू वाला जो है, और अंदर में क्योंकि इतने सारे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए करने तो अंदर एक लूप रन करना होगा. एंड क्यों वेक्टर 101 बोला है, मतलब इसका लेंथ चेक करो ना, जीरो से आप 10 जा रहे हो तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना होता है? 100 होता है ना, और एक यहाँ पे जीरो वाला वैल्यू भी आएगा, तो यू हैव 101 वैल्यूज. So, वो वेक्टर जो बनेगा वो 101 वैल्यूज के लिए बनेगा, इसीलिए 101 बोला है. करो अब खुद से, हिंट दे दिया काफी सारा मैंने. ये प्रोबेबिलिटी तुम लोगों को बेसिकली फंक्शन के अंदर लिखना है, और फंक्शन में एक लूप भी रहेगा जो 0 से 10 तक जाएगा. I goes from 0 to 10 एंड वो कैसे होगा, 0.10 बाय 0.1 करके करो, करो हो जाएगा. एटलीस्ट ट्राई करो, जो भी बन रहा है कुछ तो टाइप करो, ऐसे ब्लैंक मत बैठो. जो भी समझ आ रहा है स्टार्ट टाइपिंग, वंस यू स्टार्ट टाइपिंग अपने आप समझ आते जाएगा. एक लाइन टाइप करोगे दूसरा लाइन अपने आप समझ में आएगा. खाली बैठने से कुछ नहीं होगा.
नहीं, जीरो का वैल्यू कैसे आ सकता है अगर ए ग्रेटर देन। ठीक है, करो तुम लोग खुद से करो। एक वेक्टर बनाने बोला इन्होंने पहले, तो कितने का? 101 का। ठीक है, 101। उसके बाद ये लूप रन होगा आई इन ऑब्वियसली 111, 101 वैल्यूज के लिए। अब इस लूप के अंदर हम लोग को वो प्रोबेबिलिटी निकालना है, और वो प्रोबेबिलिटी हम लोग डालेंगे जो वाई वेक्टर बनाए हमने उसके फर्स्ट। वाई इज अगेन समथिंग विच इज ओनली विद इन द फंक्शन, तो ये वेरिएबल का अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जस्ट हमने वेरिएबल लिया है विद इन द फंक्शन। अब हमने फर्स्ट वैल्यू की जगह पे हम लोग को क्या डालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? दैट हमारा जो ए, यहाँ हमने ग्रेटर देन लिखा है तो हम लोग को पूरा वैसे ही लिखना होगा, ए ग्रेटर देन यू, ए माइनस यू हो गया। दिस क्या था क्वेश्चन? लेस देन। अच्छा, किसी ने आंसर भेजा ना? नहीं, किसी ने आंसर नहीं भेजा। प्लीज ट्राई करो खुद से। लेस देन इक्वल टू क्या करना है? एक्स। बट ये एक्स क्या है? 0, 0.1, 0.2, तो वो हम लोग इससे लेंगे। अब यहां आपने 1 से 101 किया है, तो आपको क्या करना है? गैप 0.1 का है, तो 0.1 इंटू, हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस आई। तो अब अगर आई का वैल्यू 0 है, सॉरी 1 माइनस आई तो गलत हो जाएगा, i-1 करना होगा। आई अगर हम लोग 0 डालेंगे, सॉरी 1 डालेंगे, तो ये 0 हो गया। फिर आई 2 डालोगे तो 0.1 हो गया, फिर 3 डालोगे तो 0.3 हो गया, सो ऑन। 101 डालोगे तो 101 डालेंगे तो 100 आएगा, 100 × 0.1 = 10। तो ये आ गया। अब ये जो है ये अंदर का है, आपको बेसिकली लेंथ निकालना है कि ऐसे कितने वैल्यूज हैं ए ग्रेटर देन यू। ये आपको लेंथ, आपको इसका, इस वेक्टर का लेंथ निकालना है कि ए ग्रेटर देन यू जो हमारा वेक्टर है जिसमें सारे वैल्यूज 2850 जो भी वैल्यूज आ रहे थे, 2980, उसमें से कितने वैल्यूज आपके लेस देन 0.1 है, इसका हम लोग निकालेंगे लेंथ। एंड ये कंडीशनल है, सो कंडीशन ऑन व्हाट? कंडीशन ऑन ए आई शुड बी ग्रेटर देन यू। अब ए आई शुड बी ग्रेटर देन यू इज ऑलरेडी इन द लेंथ ए ग्रेटर देन यू। गॉट इट? देख लो। एंड देन फाइनली आपको वाई आउटपुट करना है। हाँ, ले सकते हैं। एक्स को सीक्वेंस ले लो कि एक्स गोज फ्रॉम 0 से 1 और 0 से 10 बाय 0.1, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उसमें तुमको अलग से पहले एक्स बनाना होगा, फिर फॉर आई इन एक्स। हाँ, कर सकते वैसा भी। ठीक है, देख लो। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट योर ए माइनस यू इज लेस देन इक्वल टू 0.1, 0.2, सो ऑन, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट ए इज ग्रेटर देन यू। कितने वैल्यूज ए से यू से ग्रेटर हैं, उसमें से कितने वैल्यूज आपके एक्स से कम है। ठीक है, तो अगेन ये अगर तुम लोग बैठ के अब कोई चैप्टर से रिलेट करो तो तुम लोग को डायरेक्ट रिलेशन कोई चैप्टर से नहीं मिलेगा। और अगर तुम लोग ये सोचो कि सिंस इट्स एन ओपन बुक फॉर IFOA स्टूडेंट्स, तो अगर तुम लोग ये सोचोगे कि हम लोग कहीं से रेफर कर लेते हैं चलो इस क्वेश्चन को, तो ये आप लोग कहीं भी देख लो, आप कहीं इसका रेफरेंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन। ठीक
इसका रेफरेंस कहीं नहीं है, जो फंक्शन कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं ये ऐसे हमने कभी नहीं किए, बट इस ये बहुत इजी है, हमने इससे डिफिकल्ट फंक्शंस क्रिएट करा है. सो दिस आई एंड द क्वेश्चन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप लोग खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू गो वन बाय वन. कहीं पे छोटा सा अगर मिस्टेक आता है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आपका पूरा मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा. दिस एंटायर क्वेश्चन इज ऑफ 9 मार्क्स, थोड़ा ही एक या दो मार्क ही डिडक्ट करते हैं. तो इसको रन करेंगे, दिस इज द फंक्शन. नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू 8 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने, किसके एफ यू, इसमें ए ग्रेटर देन यू, ठीक है, उसके जगह पे बेसिकली हम लोग को फंक्शन ए एक्सीड यू डालना है, एंड इनपुट्स में हम लोग डालेंगे एवेक एंड यू के जगह वन ही बोला क्या, हाँ ठीक है. तो ये बेसिकली क्या किया हमने, ये इसके जगह पे हमने ए एक्सीड यू का फंक्शन डाला जिसमें हमने इनपुट्स लिया एवेक एंड यू के जगह हमने लिया वन. सो यू रन दिस एंड यू चेक योर आंसर. दीज आर बेसिकली कितना इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 101 होगा. एक बार तुम लोग चेक कर लेना कि इसका पूरे का लेंथ तुम्हारा 101 आ रहा है कि नहीं. दीज आर नथिंग बट द प्रोबेबिलिटीज दैट ए माइनस यू इज लेस देन इक्वल टू एक्स गिवन ए ग्रेटर देन यू. ऑल राइट, नेक्स्ट करें, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी डाउट, नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करो. प्लॉट है ऑन अ सिंगल ग्राफ 4 लाइंस ऑफ वैल्यूज एफ यू अगेंस्ट x for the values of x specified in question 3. तो question 3 में जितने भी अपने x के values थे, when a greater than u is equal to x, तो ये पूरा दे दिया, but u का different values दिया बिन्होंने. तो अब जो plot बनेगा उसमें x axis में आपके u के different values बनेंगे 1, 2, 3, 4, and उन सबके लिए आपको fu plot करना है. fu will contain 101 वैल्यूज है ना, क्योंकि x का वैल्यूज तो वही है जो स्पेसिफाइड अबव है. सो डोंट यू थिंक यू विल बेसिकली फॉर ईच यू यू विल गेट अ लाइन चार्ट ऑन अ सिंगल ग्राफ. बोला है 4 लाइंस बनाने हमें, 4 लाइन ग्राफ्स बनाने हैं. यू शुड यूज सेपरेट कलर्स टू आइडेंटिफाई ईच लाइन ग्राफ एंड यू शुड क्लियरली स्पेसिफाई विच वैल्यू ऑफ यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 लाइन. सो ऑब्वियसली वो लेजेंड एड करके हम लोग करेंगे. सो ऑल द वैल्यूज y एक्सिस विल गो फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to 1, 0 to 1. तुम एफ यू प्लॉट कर रहे हो उसमें तो प्रोबेबिलिटीज है. सो योर y एक्सिस विल गो फ्रॉम 0 to 1 एंड x एक्सिस में आपके क्या वैल्यूज होंगे, u के 1, 2, 3 and 4. तो आपको बेसिकली 4 बार वो फंक्शन रन करना है, 4 अलग वैल्यूज के वेक्टर आएंगे, उन 4ों को आपको प्लॉट करना है. दैट्स इट, करो खुद से. बहुत वाई एक्सिस एफ यू में क्या है, एफ यू प्लॉट करना है ना, एफ यू में क्या है, जीरो से 10 क्यों रहेगा, तुम यू का अलग वैल्यूज के लिए प्लॉट कर रहे हैं ना. तो एक्स में क्या देगा, तुम अगेंस्ट यू बोला है, तुम्हारा यू का 4 अलग वैल्यूज है, 4 अलग ग्राफ आ रहे हैं. अच्छा वैसे हाँ, वो 0 से 10 जाएगा, वो 0 से 10 जाएगा, वो करेक्ट है. एक्स एक्सिस 0 से 10 जाएगा और वाई एक्सिस तुम्हारा 0 से 1 कर लो. चलो हाँ, वो ऑब्वियसली 0 से 10 जाएगा. पहले तो एक नया ले लो ना, जिन्होंने x नहीं बनाया था वो x ले लो, 0 से 10 बाय 0.1. फिर प्लॉट फंक्शन यूज करो और बाकी 3 लाइंस फंक्शन, फिर लेजेंड फंक्शन यूज करो. एंड आई वॉन्ट टू सी आपका सबका ग्राफ कैसा निकलता है, कमेंट ऑन द ग्राफ करेंगे.
पहले एक्स का वैल्यूज ले लेंगे, 0 से 10 बाय 0.1 प्लॉट करेंगे. एक्स एक्सिस पे एक्स हो गया, वाई एक्सिस पे एफ यू ए एक्सीड यू, इसके अंदर अपने ले लेंगे ए वेक, और यू के जगह क्या लेंगे, अगेन यू का चार वैल्यूज है तो पहला ले लो यू इक्वल टू 1. ये हो गया. अब इसको एक बार पहले एंड टाइप बस लाइन ले लो, बिकॉज आई स्पेसिफिकली सेड इट टू बी अ लाइन चार्ट. फिर टाइटल एंड ऑल देंगे, ऐसा आ रहे. अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, कलर दे दो जस्ट टू डिफरेंशिएट रेड एंड गिव अ नाइस टाइटल. एक्स लैब क्या देंगे, एक्स लैब क्या देंगे बोलो, एक्स ही देंगे तो वो आप नहीं भी चेंज करो तो चलेगा क्योंकि इट्स ऑलरेडी एक्स. वाई लैब में क्या देना है, ठीक है आई थिंक पूरा प्रोबेबिलिटी इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन डू इट. ए माइनस यू लेस देन इक्वल टू एक्स गिवन ए ग्रेटर देन यू, ठीक है. दिस ऑल्सो वी कैन डू एंड ये अपना जाएगा कोट्स में. बोलो कौन क्या बोल रहा था. एंड टाइटल में क्या देंगे, वैल्यूज ऑफ अगेंस्ट हाँ एक्स फॉर यू इक्वल्स 1, 2, 3 एंड 4. ओके हो गया. अब इसके बाद लाइन बना दो सेम चीज का, जस्ट दैट नाउ वील ओनली टेक दीज, और किसी से हमें मतलब नहीं. यू के जगह 2 डाल दो एंड रेड के जगह लेट्स गिव ग्रीन. ये हो गया. दूसरा ये हो जाएगा 3, कैन गिव अ ब्लू कलर, ब्लू. और एक कौन सा कलर लेना है, ब्लैक ही ले लो सिंस ब्लैक नहीं यूज करा है हमने. क्या लिखा हुआ है बताओ. तुम चेक की एफ यू का लेंथ कितना आ रहा है और एक्स का 0 से 10 डालियो कि 1 से 10 डालियो बाय 0.1. ठीक यार, अब इसका लेजेंड ऐड करो एंड लेजेंड सब लोग बना के मेरे को पेस्ट करके देंगे चैट बॉक्स में. लेजेंड में हम लोग डालेंगे, पहले तो डाल दो u इक्वल्स 1, u इक्वल्स 2 वैसे करके डालो. कलर्स डाल दो, 1 वाले का है रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक. एक सेकेंड, कॉमा नहीं दिया इधर.
बोलो। इसमें कमेंट कर दो, टाइप करो मुझसे एक बार। हाँ बिल्कुल। हाँ तो क्या नेक्स्ट फंक्शन फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन के अंदर रहने दो, बट इन फंक्शन के बाहर भी बनाओ। इतना कर्सर ऐसे क्यों गया? इस पे क्लिक करो, इंस्टॉल कर देंगे। स्ट्रांग एंड करो एंड शिफ्ट 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 करो, शिफ्ट शिफ्ट करो, आप इसमें पेस्ट करो। मल्टी टाइपिंग हो रहा है ना, सो टाइप हो रहा है ये सब। बिकॉज़ सर ये कुछ ट्रिक हो रहा है, तो ये जीरो का टाइप कर दो, ये जीरो लिख दो। टेन होगा हमारे लिए, जीरो जीरो से टेन होगा। तुम लोग इसका फिर से टाइप करो कमेंट्स, एटलीस्ट 4 लाइन्स टाइप करो, देखो क्या आता है। अपन दो सके भी क्या है वो कैंसिल कर लेगा। इतना क्यों भाग्य रखी है भाई, इसमें लैपटॉप का स्पेस खाली हो गया तो स्पेस ही स्पेस है कुछ नहीं भाई, हम कुछ नहीं था, मैं लैपटॉप में कुछ नहीं करता। हाय बेचारी बच्ची क्या लेता है, कौन सा बच्ची का मूवी नहीं वो बच्ची इसको जब दिखता नहीं है क्या हो रहा है। एमबीटी है वो जीबी है, 8.8 जीबी
वो भी तो एमडी क्या ही होता है उसको बोल दो सुनिए कि बैठे और एक्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे खराब हुआ मैम चिल्ला दे क्या निकाल जीबी फेस कर रही है एमबी नहीं तो जीबी हम एमबी समझते हैं इसको पता रहता है 1000 GB से खाली रहेगा लैपटॉप के दिमाग क्या इसमें क्या निकाल रही एसयू अरे फालतू चीज है तुम्हारे ध्यान में पागल तो क्या कर रहे हैं क्या दिखे हम पढ़ रहे हैं तुम दूसरा लैपटॉप लेके आओ मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूं कि रात में मैसेज फीड कर क्या स्टार्टिंग में आपको तो भाई 15 मिनट लगा आधी के समय डॉक्टर को देना उसके बाद भी डॉक्टर चल नहीं रहा अबे इसका ये लैपटॉप 32 बिट का है बोर्ड करने का क्या बच्चे हो अरे वो हार डाउनलोड करना अपन दो फाइल डाउनलोड करते हैं एक कास्ट का ये उनका वो दैया आज हां वो बोल रहा है बोल रहा है पहुंचा है हां पहले तो वो कहां था आज भी ऊपर से क्या आज स्टूडियो से पहले क्या एक शो था लेकिन प्लेस कर रहे हैं पहुंचा करते हैं आज स्टूडियो से पहले क्या डाउनलोड कर आज पहुंचा करते हैं तो वो इसमें है देखा है प्रॉब्लम नहीं है पता है कर रहे वो ये है अरे वो नंगलॉक लगा के जीरो दबा दो क्या दबा के नंगलॉक जीरो दबाओ अरे नंबर ऑफ करके जीरो अपने आप चला जाता तुम क्यों कर रहे जीरो वही तो कर रही है
क्या कमेंट किया बताओ? एक सेकेंड. हाँ बोलो. जैसे जैसे यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एफ यू क्या है? एफ यू प्रोबेबिलिटीज है. तो ऑब्वियसली जैसे यू का वैल्यू इंक्रीज होगा, ए माइनस यू. हाँ, तो a माइनस यू उतना कम होगा कि ज्यादा होगा. तो पहले काम करो ना, क्योंकि इतना सारा चीज है. x का लोअर हाफ एंड x का अपर हाफ के लिए बात करते हैं, मतलब स्मॉल वैल्यूज ऑफ x एंड हाई वैल्यूज ऑफ x. तो अगर हम लोग स्मॉल वैल्यूज ऑफ x का बात करें, सो इन दैट केस वैसे तो सब में ही है, बट ज्यादा डिफरेंस इधर आ रहा है इस पार्ट में इफ यू सी, एंड इधर कम है. सो फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ x, वी सी दैट एज यू इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ u, the values of fu decreases. क्यों? क्योंकि fu क्या है आपका? वो क्या है? probability that a minus u should be less than equals to x. तो x का अगर values कम है ना, तो आप a minus u कर रहे हो less than equals to x u, तो obviously वो कम होते जाएगा ना. ये एक चीज हो गया. दूसरा, फॉर हायर वैल्यूज देर इज अ डिफरेंस, बट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड एक अब हम लोग को रिलेट करना है, जस्ट ग्राफ बोलने से नहीं होगा, टू द मॉडल. मॉडल में ए क्या फॉलो करते हैं? परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा. अब अगर हमने समझ में आ रहा है कि ये ईवीटी का ही क्वेश्चन है, तो ईवीटी में हमने क्या पढ़ा था? इफ ए फॉलोज परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा, ए माइनस यू जो ए एक्सीड यू है, दैट विल ऑल्सो फॉलो परेटो. विथ पैरामीटर्स याद है अल्फा, एंड विथ पैरामीटर्स क्या होगा? अल्फा लैम्डा प्लस यू की लैम्डा माइनस यू. हाँ क्या होगा बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ए एक्सीड यू जो है वो क्या फॉलो करेगा? प्लस यू. वेरी गुड. परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा प्लस यू फॉलो करेगा. अंडरस्टूड? तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बोल रहे हैं दैट एक्स फॉलोज, एक्स नहीं बोलेंगे, ए फॉलोज परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा, तो ए माइनस यू विल फॉलो परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा प्लस यू. ठीक है, तो ये भी एक लाइन तुम लोग को लिखना है. उसके बाद एक और चीज जो हम लोग ग्राफ में क्या दिख रहा है, थोड़ा जो अजीब सा है, वो है इधर इस पार्ट में. इस पार्ट में व्हाट डू वी सी? दैट देयर इज अ क्रॉस हैपनिंग बिटवीन यू इक्वल्स टू 3 एंड यू इक्वल्स टू 4. इधर पे क्रॉस हो रहा है. नाउ अब हम लोग ने सैम्पलिंग करा है ऑब्वियसली, सो जरूरी नहीं कि ये जो क्रॉस है ये एक्चुअल में होना चाहिए. दिस मे बी ड्यू टू सैम्पलिंग वेरिएशन और सैम्पलिंग एरर. वर्ड नहीं यूज करना चाहिए हमेशा, बिकॉज हमेशा जरूरी नहीं कि सैम्पलिंग गिव्स यू एन एरर. सो वेरिएशन वर्ड आप यूज कर सकते हो. सो दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ द सैम्पल वेरिएशन, क्योंकि हमने सैम्पलिंग करा है, तो दैट इज वाई मे बी दिस क्रॉस इज हैपनिंग बिटवीन ए यू इक्वल्स टू 3 एंड यू इक्वल्स टू 4. अंडरस्टूड? ये पूरा तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. I'll open the solution for you all, but एक बार खुद से try करो कि type हो जाए. Make sure कि आप लोग ये type कर पाओ खुद से.
देखो इसको रीड कर लो. स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स एफ यू एक्स डिक्रीजेज एज यू इंक्रीजेज, ये हमने देखा था. दिस इज कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट, अगर एक्स फॉलोज परेटो देन द थ्रेशोल्ड एक्सीडेंसेस व्हिच इज दिस विल फॉलो परेटो अल्फा लैम्डा प्लस यू. देयर इज सम इररेगुलरिटी कॉज्ड बाय सैम्पलिंग वेरिएशन ड्यू टू लो डेटा वॉल्यूम्स, बिकॉज जो हमारा ए माइनस यू आ रहा है वो तो लो है ना, वो तो 2850 ऐसा कुछ आ रहा था. नहीं ये डिराइव किया था ना हम लोगों ने, टेबल बुक में नहीं है बट ये डिराइव किया था, तो स्ट्रेट अवे इधर कमेंट में डाल सकते हैं अपने. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इररेगुलरिटी द कर्व्स 3 and 4 क्रॉस ओवर फॉर द स्मॉल वैल्यूज. तो अगेन खाली इतना लिखना सफिशिएंट नहीं होगा, हम लोग बेसिकली हम लोग हायर वैल्यूज ऑफ यू एक्स के बारे में बात करेंगे कि फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एक्स आपका यू में जो डिफरेंस है गैप है वो इतना ज्यादा नहीं है. क्यों नहीं है, ए माइनस एक्स कर रहे हो तो एक्स अगर ज्यादा है तो ए का वैल्यूज ऑलरेडी उतना बड़ा नहीं है, तो जब आप ए माइनस फोर ए माइनस वन कर रहे हो एंड लेस देन आप बोल रहे हो फॉर लेस देन 8.1 तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज ही मिलेंगे बिकॉज द वैल्यूज ऑफ ए दैट वी आर गेटिंग ए माइनस यू दैट वी आर गेटिंग इज ऑलरेडी स्मॉल. तो यहाँ इसीलिए आपको ज्यादा वेरिएशन ज्यादा गैप्स नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड, देख लो कोई डाउट है तो वील मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन देन. हाँ बोलो मैम. कैन यू एक्सप्लेन इन द लूप फंक्शन वी यूज ए ग्रेटर देन यू एंड उसके बाद में हमने ए एक्सीड यू यूज किया, तो उसका वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कैसे होगा फिर? ये ए ग्रेटर देन यू कुछ नहीं है, ये खाली एक पैरामीटर का नाम है. तुम यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकती हो, इसका कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है. दिस इज जस्ट एन इनपुट, एक फंक्शन के अंदर जो इनपुट डालते अपने तो वो इनपुट का नाम है. This is nothing. तो, जैसे हमने ए एक्सीड यू बनाया था तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि ए माइनस यू देख रहे थे एंड देन हमने यहाँ पर इंडेक्स किया लेस देन इक्वल टू फ्रॉम ए एक्सीड यू पॉइंट एक्स का वैल्यूज, वो चीज समझना था. हाँ तो ये प्रोबेबिलिटी क्या निकाले हमने, प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाले ना ए माइनस यू, ए माइनस यू इज द एक्सीडेंस जो भी आपका है, तो वो आपका ये हो गया a ग्रेटर देन u हो गया आपका a माइनस यू बेसिकली लेस देन इक्वल टू x वो कर रहे हैं एंड गिवन a ग्रेटर देन u है तो गिवन आपको लेंथ ऑफ वैल्यूज जितने भी u से ग्रेटर है, मतलब हमें लेंथ ऑफ ये निकालना है ना. ओके मतलब हमारे पास a एक्सीड u था इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे. करेक्ट, वरना हमें बनाना पड़ता. अब देखो एक चीज और है, क्योंकि ए एक्सीड यू हम डायरेक्टली इधर लिख रहे हैं, इधर हम 1 लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो चेंज कर रहे हैं. ये हमेशा याद रखना कि ये चेंज होना चाहिए आपका, ठीक है वो तो हो गई जस्ट टू मेक श्योर. तो ये ए ग्रेटर देन यू बेसिकली ए माइनस यू है जो ए एक्सीड यू में है, समझ रहे हो? यस मैम. और कोई डाउट है? क्वेश्चन वन. बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन हम लोग को चाहिए आर पैकेज for Markov chain should be loaded into R using the following code. तो ये हम लोग ने already कर रखा है, install.packages का जरूरत नहीं है because we already have this. So we can just use library Markov chain. यहाँ पे खाली लिख दिया करो loading package, ठीक है. अब बोला है X1 is a Markov chain on the state space 1, 2, 3, following transition matrix diya hua hai. And values of P, R, Q, obviously, are probabilities, so should be between 0 and 1. Construct the function with arguments P, Q, R that generates a Markov chain object for XT. Toh, P
पी क्यू आर आर्ग्यूमेंट्स लेना है फंक्शन के अंदर, एंड फंक्शन के अंदर ही हम लोग को ये मैट्रिक्स जेनरेट करना है. करो खुद से, बहुत सिंपल है ये तो. Transition matrix P Q and R. अब इसके अंदर matrix बना दो. मतलब क्विकली कोई एक जन मेरे को लिख के भेजो. अगर रो वाइज जा रहे हो तो पी वन माइनस पी कॉमा जीरो कॉमा क्यू ऐसे पूरा लिख लो, दिया हुआ इन्होंने. यानी कि वन से थ्री नहीं जा सकते वन स्टेप में क्योंकि वो जीरो है. सो अगर वन टू थ्री तीन स्टेट्स बन रहे हैं, सो वन से टू का लाइन बनेगा बट एंड वन से वन का लाइन भी बनेगा बट वन से थ्री नहीं जा सकते. सिमिलरली टू से वन का लाइन बनेगा, टू से टू का नहीं होगा एंड टू से थ्री का लाइन बनेगा. एंड अगेन अगर थ्री देखे, थ्री से टू जा सकते हैं, थ्री से वन अगेन नहीं जा सकते, थ्री से थ्री पे जा सकते हैं. तो ये है, बना लो इसको एंड चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो. कॉपी कर रहे हो तुम लोग सॉल्यूशंस? कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं. ये हो गया बायरो ट्रू, ये करेक्ट है. एंड देन इफ यू वांट इसके अंदर व्हाट दे हैव आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन आर फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स दैट जनरेट्स अ मार्कोव चेन ऑब्जेक्ट. तो क्योंकि ये लाइन क्लियरली बोला है तो खाली मैट्रिक्स नहीं जनरेट करना है, मार्कोव चेन ऑब्जेक्ट जनरेट करना है. तो मार्कोव चेन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था न्यू फंक्शन यूज करके. इसके अंदर सबसे पहले लिख दोगे मार्कोव चेन. हाँ ले सकते हैं, सिंस आई हैव नॉट रिटन इन द मैट्रिक्स, आई एम नॉट राइटिंग, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन. Transition matrix should be equal to transition. Sorry, should be P. यहां पे I think transition matrix के बदले अच्छा हो नहीं, उसका copy किया था ना मैंने. Function का नाम दे दो Markov chain. ठीक है, अब इसको अपने रिटर्न करेंगे एमसी. क्लियरली क्वेश्चन में बोला है खाली ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाने नहीं बोला है, मार्कोव चेन ऑब्जेक्ट जेनरेट करने बोला है. हाँ बोल. ठीक है. इसको रन कर लो. अज्यूम P इज 0.75, R इज 0.25. तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट R कोड दैट कैलकुलेट्स द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ XT
फॉर वैल्यूज ऑफ क्यू फ्रॉम 0.1 टू 0.9. तो अलग पी का आर का वैल्यू कॉन्स्टेंट दे दिए, क्यू का ये सारे वैल्यूज के लिए हम लोग को क्या जनरेट करना है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना है. करो, लूप रन करके करेंगे. मैम क्वेश्चन में ये ऊपर में जहाँ ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया है ऊपर में स्टेट स्पेस 1, 2, 3 दिया है तो वो इंक्लूड नहीं करना हम लोग को? कर सकते हैं, बोला तो मैंने कर सकते हैं. यहाँ पे इंक्लूड कर दो ना स्टेट स्पेस इधर और इधर, ये दोनों जगह पे कर दो. अब ये सब छोटा मोटा चीज तुम लोग को आ गया, हमने हर पेपर में मार्कोव चेन देखा है, हमेशा से आ रहा है फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स. करो इसको, ट्राई करो खुद से. पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू स्ट्रेट अवे फंक्शन में डालेंगे. फंक्शन में डालने से ट्रांजिशन सॉरी मार्कोव चेन ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो गया. अब उसका स्टेडी स्टेट निकालना है और हम लोग के कितने वैल्यूज आएंगे, 0.1 से 0.9 मतलब 9 वैल्यूज हो गया. तो 9 डिफरेंट स्टेडी स्टेट्स आएगा. तो तुम लोग दो चीज कर सकते हो, या तो तुम लोग स्टेडी स्टेट्स कॉमन रहता है हम लोग को पता है ये चीज, तो या तो तुम लोग कर सकते हो 9 रोज, ठीक है, हर एक रोज सिग्निफाइज अ स्टेडी स्टेट फॉर 0.1 0.2 एंड सो ऑन, या कॉलम्स जैसे तुम लोगों का मन है. करो करो खुद से करो. लूप जो रन होगा, आई गोज फ्रॉम 1 to 9 एंड क्यू बेसिकली हो गया अपना आई इंटू 0.1 इंटू स्ट्रेट अवे आई, क्योंकि जीरो नहीं लेना है, वन से स्टार्ट करना है. तो आई की जगह वन डालेंगे तो 0.1, टू डालेंगे तो 0.2 एंड सो ऑन. ये हो गया. अब हम लोग स्ट्रेट अवे जो ऊपर हमने क्या बनाया था, मार्कोव चेन, मार्कोव चेन यूज करेंगे. उसमें पी का वैल्यू 0.75, क्यू का वैल्यू ऑलरेडी ऊपर लिख चुका है, तो क्यू नहीं, क्यू यहाँ पे तुम ले लिया ना, R equals 0.25. तुम यहाँ ऑलरेडी Q डिफाइन कर दिया, नहीं डिफाइन करते तो अंदर में यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो इश्यूज. एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फिर हम लोग को स्टेडी स्टेट्स निकालना है इसका. एक बार खाली आई एम रनिंग दिस, तो इसको रन करने के बाद ऑब्वियसली हमने प्रिंट कुछ नहीं करा है, तो प्रिंट कुछ नहीं होगा. तो प्रिंट करने के लिए नॉर्मली इसको प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग इसको चलो प्रिंट करते भी हैं, देख लो कैसा होगा. अगर आप इसको प्रिंट करते भी हो तो गलत, अच्छा रुको कैपिटल पी दे दिया मैंने, तो आपका देखो खाली ये प्रिंट हुआ एक ही है ना, लास्ट वैल्यू के लिए प्रिंट हुआ है खाली, मतलब जो लास्ट वैल्यू ऑफ क्यू है 0.9 उसके लिए खाली प्रिंट होगा. तो हम लोग को एक नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितने वेक्टर्स आएंगे, 9 वेक्टर आएंगे. सो लेट्स मेक अ मैट्रिक्स स्टेडी या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का मैट्रिक्स, एंड ये मैट्रिक्स दे दो, लेट्स सपोज 9 रोज एंड 3 कॉलम्स, या वाइसा वर्सा भी तुम लोग कर सकते हो. तो 0, n रो में दे दो 9, n कोल में दे दो 3. ये बेसिकली क्या हुआ, एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें सारे वैल्यूज आपके 0 हैं, जिसमें सारे वैल्यूज आपके ऐसे 0 हैं. अब इसके हर एक रो में अपने ऐड करेंगे, तो यहां लिख देंगे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन
for the ith row and all columns. इसमें हम लोग डाल देंगे स्टेडी स्टेट्स को एंड देन लास्ट में वी नीड टू बस ठीक है ये रन करेंगे एंड देन यू कैन प्रिंट योर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन. देखो इन्होंने शायद उल्टा करा है, इन्होंने 9 कॉलम्स एंड 3 रोज किया है सो वी कैन डू दैट ऑल्सो इट्स सेम. अगर हम लोग लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखे टू स्टे इन स्टेट 2 इज ऑलवेज 0.2. कैन यू टेल मी व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाई? इन्होंने पूछा नहीं है व्हाई बट स्टिल अगर हम लोग समझे स्टेट 2 में क्या हो रहा है. 2 से 2 नहीं जा सकते, 3 से 2 जा सकते हैं विद प्रोबेबिलिटी 0.25 एंड 1 से 2 जा सकते हैं विद प्रोबेबिलिटी अगेन 0.25. देख रहे हो इसीलिए वो क्योंकि आप 1 से 2 एंड 3 से 2 सेम प्रोबेबिलिटी से जा सकते हो तो वो आपका चेंज ही नहीं हो रहा है. जहां पे Q है ना मतलब ये वाला खाली ये वाला चेंज होगा ना, Q से Q खाली चेंज हो रहा है, R और P तो चेंज हो ही नहीं रहा. R और P तो चेंज हो ही नहीं रहा, खाली Q मतलब 2 से 1 जाना और 2 से 3 जाना तुम लोगों का खाली चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा. सो 2 में आने का प्रोबेबिलिटी तो सेम है, 1 से 2 और 3 से 2 आने का, और 2 से 2 जा ही नहीं सकते तो वो क्यों चेंज होगा. ठीक है एंड एज योर वैल्यूज ऑफ Q इंक्रीजेस, Q इज व्हाट? Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से 1 जाने का. तो Q इंक्रीज होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम 2 टू 1 विल इंक्रीज एंड 2 से 3 विल डिक्रीज. तो ऑब्वियसली देखो यहां पे आपका पूरा उल्टा आ रहा है, 0.72, 0.08 और यहां पे 0.08, 0.72. क्योंकि जैसे Q इंक्रीज होगा 1 में जाने का प्रोबेबिलिटी इज गोइंग अप एंड 3 में जाने का प्रोबेबिलिटी इज गोइंग. अंडरस्टूड? क्या लिखा है? ये लिखा है तुम n रो 9. Thank you.
क्या हुआ बोलो, अभी भी आ रहे क्या एरर? तुम वो की हो लाइब्रेरी रन की हो मार्कोव चेन का? कैपिटल एस होगा इधर और इधर स्मॉल एस. यहाँ एमसी नहीं लिखी हो क्या? पार्ट थ्री करो जिनका हो गया. क्या लिखा है? Plotograph showing the stationary distribution of xt calculated in part 2 as a function of q. You should include three separate colored lines on your graph, each line representing the stationary probability of each state. State 1 ka alag, state 2 ka alag. Basically, har ek column plot karna alag alag. Hai na? Wahi ho gaya? Har ek column for different values of q. तो एक्स एक्सिस में क्यू का वैल्यू जाएगा और वाई एक्सिस में तुम्हारा वही 0 से 1. जहां पे ऑब्वियसली जो सेकंड स्टेट का वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, फर्स्ट स्टेट का इंक्रीजिंग और सेकंड स्टेट का डिक्रीजिंग. करो इसको खुद से देखो क्या हुआ, क्या डाउट, क्या एरर. अरे क्यू में तुम इसको देखो ना, ये क्या है 0.2 सेम क्यू है पूरा उसका सेकंड वाले का, क्योंकि 2 से 2 में चेंज नहीं है, मतलब 0 है. और ये वाला फर्स्ट रो लास्ट रो में कोई चेंज नहीं है, पी और आर सेम है. तो तुम 1 से 2 आ रहे हो, 3 से 2 आ रहे हो, सेम है. तो वो नहीं चेंज हो रहा ना लॉन्ग, इसीलिए सेम. बट 2 से 1 जाने का प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग एज योर क्यू इंक्रीजेस, तो इसीलिए वो 0.08 से 0.72 जा रहे हैं, इट्स इंक्रीजिंग बेसिकली. और 2 से 1 जाने, 3 जाने का इज डिक्रीजिंग, तो वो डिक्रीज हो रहा है एज योर क्यू इंक्रीजेस. दैट्स इट. कमेंट बोला नहीं है बट इट्स बेटर दैट वी, तुम लोग करो अब खुद से. एक्स एक्सिस में क्यू ले लो एंड वाई एक्सिस में रो वाइज प्लॉट, कॉलम वाइज प्लॉट करना है. जिन्होंने उल्टा करा था वो कॉलम रो वाइज प्लॉट करेंगे, मैंने कॉलम वाइज करा है. Thank you.
ये सब बहुत ही बेसिक एरर है। क्या होगा बताओ, पेस्ट करो कोई भी चैट बॉक्स में। पहले तो क्यू का वैल्यूज ले लेंगे सीक्वेंस 0 से 0.9 क्यू कॉमा स्टेशनरी का ऑल रोज फर्स्ट कॉलम। अब ऑब्वियसली इसको अपने कर देंगे टाइप लाइन। हाँ, एंड इट्स लीनियरली इंक्रीजिंग बिकॉज योर वैल्यूज ऑफ क्यू इज चेंजिंग लीनियरली, दैट इज व्हाई। यो गया, टाइटल दे दो प्लीज, एक्स एक्सिस को दे दो क्यू का वैल्यूज, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी। वाई लैब दे दो, क्योंकि तुमको फर्स्ट कॉलम प्लॉट करना है ना, स्टेट वन का अलग स्टेट। क्वेश्चन रीड करो, टाइटल दे देना अच्छा सा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एक्सटी फॉर ऑल थ्री स्टेट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्यू। अच्छे से एक्सप्लिसिटली देना है, यू गेट ओनली वन मार्क फॉर योर लेबलिंग। वो वन में वन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैनॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क्स। ईजी मार्क्स नहीं लूज कर सकते, दिस इज अ ईजी मार्क्स। तो वाई एक्सिस को लेबल करना है प्रोबेबिलिटी, टाइटल में दे दो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री स्टेट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्यू। ये पूरा आप लोग को लिखना है और अभी से गेट इनटू दिस हैबिट, बिकॉज ये आप लोग को सीपी टू क्लियर करवाएगा और ये आप लोग को बाद में जब आप लोग व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग तभी भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो ब्लैक ही रखते हैं, नॉट चेंजिंग दिस। अगेन लाइन्स में एड कर देंगे। ठीक है, कोई एक जन प्लीज लेजेंड लिख के मेरे को पेस्ट कर दो चैट बॉक्स में, आई विल कॉपी दैट सिंपली। लेजेंड हम लोग टॉप में कर सकते हैं, यहां इधर टॉप लेजेंड में क्या डालेंगे? स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट थ्री। स्टेट वन हो गया आपका ब्लैक, रेड, ब्लू। वैसे क्विकली एनीवन जस्ट पेस्ट इट इन द चैट बॉक्स, वेरी सिंपल।
लेजेंड पेस्ट करो एक बार चैट बॉक्स में. ठीक है, वेरी गुड. लेट्स सो कोई भी डाउट है इस पेपर में? आई गेस वन एंड टू आर वेरी इजी. क्वेश्चन थ्री थोड़ा ट्रिकी चैलेंजिंग था, तो खाली उसके अलावा बाकी द पेपर वॉज वेरी सिंपल. नेक्स्ट वील स्टार्ट विथ सेप्टेम्बर 2021 पेपर. ठीक है.